उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों के साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को 2024 के आम चुनाव के लिए भी अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में 2024 में मोदी सरकार के सत्ता में वापस आने के लिए इसे अहम बताया था, लेकिन यूपी चुनाव के परिणाम इसे कहीं दूरगामी होंगे। इसका असर एक तरफ देश की सियासत पर देखने को मिलेगा, वहीं भाजपा की आंतरिक राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पिछले ही सप्ताह दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भी इस बात के संकेत मिल चुके हैं। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय नेता ही पेश करते रहे हैं। उनकी ओर से प्रस्ताव पेश किए जाने को पार्टी में उनके बढ़ते कद के तौर पर देखा गया। इसकी एक वजह ये भी थी कि मीटिंग में चुनावी राज्यों में आने वाले